उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बाघ ने ढेर पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना बीत पनपथा के अंतर्गत RS 428 की है। थाना क्षेत्र इंदवार के ग्राम कुशमहा निवासी 45 वर्षीय राम सुहावन सुबह महुआ बीन ने जंगल में गया, जहां बाघ पहले से ही झाड़ियों में घात लगाए बैठा था। इसके पहले वह कुछ समझ पाता, बाघ ने हमला कर दिया। घायल की चीख पुकार जब आसपास मौजूद लोगों ने सुनी तो घायल को बचाने दौड़ पड़े। ग्रामीणों को पास आते देख बाघ घायल को वहीं छोड़ भाग गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने वन अमले को दी, जिसके बाद विभागीय स्टॉप और वाहन की मदद से घायल को जिला अस्पताल उमरिया में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बांधवगढ़ नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर शुक्ला जी का कहना है कि बांधवगढ़ रिजर्व टाइगर क्षेत्र कोर एरिया को लेकर हर गांव में मुनादी के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाती है कि कोर एरिया की ओर न जाए, कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, लेकिन ग्रामीण जनों में विभाग की मुनादी की बातों पर ध्यान न देकर अक्सर जंगल की ओर रुक कर जाते हैं और वन्य प्राणी के शिकार हो जाते हैं। मैं कमलेश कुमार नंदा, परिचय सहायक मंझौली। घटना के संदर्भ में आज सुबह की घटना, सुबह 6:30 बजे के आसपास, ये राम सुहावन बैगा ग्राम कुशमहा का है। ये जो है महुआ बीनने के लिए गया हुआ था, तो बीट पनपथा RS 428 में वहाँ बाघ कहीं बैठा हुआ था झाड़ियों के बीच में, और ये वहाँ पहुँच गया, जिससे बाघ ने जो है इसके ऊपर हमला कर दिया। और वहाँ पे और भी कुछ ग्रामीण थे, तो शोरगुल मचाया, जिससे बाघ जो है उसको छोड़ दिया। और फिर जो है हम लोग मौके पर पहुँचे और इसको उठा करके वाहन से लेकर यहाँ आए जिला चिकित्सालय उमरिया में। अभी इसको भर्ती कराया है और इसका उपचार लगातार अभी जारी है। इसको 3-4 जगह गंभीर चोटें आई हैं, जहाँ पर टांके लगाए गए हैं, और डॉक्टर प्रजापति ने अटेंड किया था और उनके सलाह पर अभी एक्सरे भी कराएंगे। वर्तमान में स्थिति कैसी है? अभी स्थिति इसकी ठीक है, पर घाव इसके गंभीर हैं, हालत इसकी स्थिर अभी। उमरिया से नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट।